राजा राम की जय हो गाइस सबको। आज भाई साहब फिर से लेट हो गया मैं रात को, मतलब क्या ही तो बताऊं। सुबह सुबह मैं राजा राम की जय हो गाइस सबको। गाइस सुबह सुबह फिर से लेट, नींद खुली हुई, और मैंने 6 बजे के समथिंग बाबा को फ़ोन किया। उनको बाबा कहाँ हो, चले क्या? बाबा बोल रहे अब क्या चलेंगे, 6 बज गए। उनको ओ माई गॉड भाई, दिल से टूटा मेरा। उनका कोई बात नहीं, मैं ऊपर कर लूँगा थोड़ी सी एक्सरसाइज। अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, एक्सरसाइज करूँगा, नींद में हूँ। रात को लगभग 1:15 बज गया था भाई, और अब 6, 6:30 हो चुके हैं। धूप बहुत तेज़ आ चुकी है, जल्दी से एक्सरसाइज कर लूँ अपनी। एक्सरसाइज करने के बाद मिलता हूँ आपसे, थोड़ा सा वार्म अप वार्म अप और फिर एक्सरसाइज आधा पौना घंटा। गाइज एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली मैंने, लगभग 35 से 40 मिनट हो चुके हैं भाई। अभी इतनी कर पाऊँगा क्योंकि लेट भी हो रहा हूँ, काम भी करने हैं, मूड भी इतना ज़्यादा खासा नहीं है। ठीक है, हो गई भाई। राहुल जैसी बात है, कैमरे के सामने नहीं करी पर कैमरे के लिए की है। दूसरा चलो इस बहाने कम से कम थोड़ा सा फिट रहने का ट्राई तो कर रहा हूँ मैं। दूसरा देखो अपना ध्वज कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, राम जी का वाव हवा में लहराता हुआ, जय जय श्री राम। वाह, और राम बोलते क्या खतरनाक रह रहा है। रात को हुआ क्या, मेरे को ना 2-3 शादियों के कार्ड थे, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ, मैं काम धाम अटर फेटर, फिर मम्मी आ गई, थोड़ा सा मौज मस्ती घर पे हो जाती है। तो होता क्या है, रात को एक 2-4 दोस्त आ जाते हैं लगभग 10:30 बजे के आसपास, 10-11 जो भी रहते हैं, बोला चलो तेरी की। उस टाइम पे खा राखी ने बनाई थी कल पनीर की सब्जी, कुछ इस टाइप की पनीर की सब्जी बनी थी, क्या खतरनाक सब्जी थी भाई, मज़ा आ गया था। बट हुआ क्या, वो मेरे को वहाँ पर लेकर चले जाते हैं, और जो पनीर की सब्जी बनी थी ना, अब राखी बोल रही थी पनीर की सब्जी खाना अब तुम, काजू बादाम पिस्ता पता नहीं क्या क्या डाल रखा भाई, मतलब बिल्कुल रिच टाइप ऐसा कुछ। तो भाई मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ से 7-8 रसगुल्ले, 7-8 बर्फ़ी, 1 पूरी, 3-4 ग्लास श्रीखंड एंड 1 कटोरी सब्जी खा करके आ गया। और भाई साहब रात को भूख ख़त्म तो हो ही चुकी थी मेरी। अब भाई राखी को बोला था कि खाना है, 1 बजे तक एडिटिंग करता रहा मैं, 1 बजे के बाद मैंने खाना खाया, मैं उसको उनका ले पनीर की सब्जी अब खा लेता हूँ, तब जाकर उसको अच्छा लगा। बोले नहीं तो तुम भी नहीं खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी ने खाई नहीं थी ना इसलिए। और भाई पनीर की सब्जी खाई तब जाके थोड़ा सा उसको भी तसल्ली मिली, लेकिन पेट फूटने को हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खाना हो गया था मेरा। अब जल्दी से नीचे जाता हूँ, नीचे तो पता नहीं लाइट आती नहीं है यार, मतलब 11 बजे तक मेंटेनेंस चल रहा है। दूसरा मेला है ना यहाँ पे, तो मेले में बार बार कुछ ना कुछ लाइट का फॉल्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, जिसकी वजह से लाइट बार बार कट रही है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर लाइट कटती नहीं है। मम्मा उधर से वैसे फ़ोन चला रही है भाई, एक चाय हो चुकी है मम्मी की, मेरे फोन में बहुत ज़्यादा बिजी है। गुड, आज क्यों रहे हो मम्मी? मम्मी का फ़ोन इम्पोर्टेंट है, चार्जिंग नहीं लगा तो पावर बैंक ढूंढती रहती है। हाँ एक बार भी ना मिली। हाँ तो लाइट आ गई थी ना मम्मी, पावर बैंक रख के गया था आपके पास। चलिए अब लाइट का वेट करते हैं, तब तक नाश्ता पानी कर लेते हैं। और गाइस लाइट आएगी 11:15 बजे तक। मम्मी इधर अभी भी बात ही चल रही है, और गाड़ी वाला आ चुका है कचरे वाला, ये कचरे की बाल्टी उसके अंदर डाल दूँ। और भाई लाइट को आने में अभी आधा पौना घंटा और बाकी है, तब से बैठा हूँ, नहाया धोया कुछ भी नहीं क्योंकि पानी नहीं भरा है। मैं सोच रहा हूँ तब तक भाग करके मैं अपना जो गेहूँ रख के आया था कल वो ले आऊँ, और कचरा फेंक के गेहूँ लेकर के फिर नहा धो लेंगे, क्योंकि गेहूँ आटा भी गंदा कर देता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद लाइट भी आ जाएगी, फिर काम कर लेंगे अच्छे से। और दूसरा काम भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रात को लैपटॉप गलती से है ना ऑन करना भूल गया, मतलब चार्जिंग में लगाना भूल गया, ऐसे ही विदाउट चार्जिंग ही काम करता रहा, जिसकी वजह से उसके अंदर भी 3% बैटरी बाकी है भाई, समझ भी नहीं आ रहा करो क्या, बैंड बजी पड़ी है। चलो जल्दी से भाग करके अपना आटा ले आऊँ, ये फेंक दूँ और ना धो करके मिलते हैं आपसे।
आज हमने भगवद गीता में पढ़ा कि जब मनुष्य निष्कपट हितेशियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, स्त्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी उन्नत माना जाता है। गाइज, मैटरनिटी शूट करने के लिए रेडी था मैं, बट है ना, हुआ क्या, तिलक टियारा लेकर आ रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम पता किया कि टियारा कुछ ऐसा कुछ होता है जो सिर के ऊपर लगाता है तो महारानी टाइप बन जाता है, कुछ भी ताज टाइप ऐसा। तो यहाँ पर पार्सल वाले भैया आ चुके हैं। भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। और अभी दो पार्सल हैं, दो रिटर्न हैं। वाह यार, चलो, डेढ़ सौ पार्सल आज। उस दिन कितने थे अपने पास? 60 थे। चलो, अपने पास 60 थे, आज 150 पार्सल हुआ जब तगड़ी वाली मैंने। तेरे 150 पार्सल है तेरे। वीडियो ना देखें तेरे को। लो भाई, ले आओ टीवी, वीडियो दिखाऊंगा। हैं, वीडियो देख ली 150 पार्सल की। गाइस, मैं अभी मैडम को नारियल पानी दे देता हूं क्योंकि थोड़ी देर में मैडम तैयार होके फोटोशूट पे जाने वाली है। वाओ, कैमरा वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है, ट्राइपॉड रेडी कर दिया। तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, एक वीडियो शूट करनी, थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा वो भी कर लूँ, और लगभग अभी टाइम एक घंटे बाद रेडी हो जाओगे। फोटोशूट करना है ना, आज हम करेंगे फोटोशूट। लगातार शायद 2-3 दिन फोटोशूट रहेंगे हमारे। जो भी अच्छे फोटो लगेंगे वो हम रख लेंगे, शायद उनके एल्बम भी बना लें बाद आगे आने वाले टाइम में। बाद में आपको भी दिखा दिया जाएगा हमने किस किस हिसाब से फ़ोटो लिए हैं। एंड मैडम जी, रेडी हो जाओ, जाओ नहा दो, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ। हमने एक टाइम पे मतलब अच्छी दोस्ती थी, मतलब आज भी दोस्ती तो, बट है ना, एक साथ जाते थे हम जिम वगैरह में। ये हमारे इरफान भैया हैं, इनकी बहन की शादी है भाई, तो शादी का कार्ड दे रहे हैं, शादी में ज़रूर जाएंगे। बाय द वे भैया, मतलब बड़े ही ज़बरदस्त आदमी है यार। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, इसने है ना, मतलब इसने इतनी सारी वीडियोस बना ली, शादी में गया था, इतनी पढ़ाई की इसने शादी में, खुद दबा के वीडियोस बनाई इसने, सभी को मैच कर दिया है। पता नहीं आजकल नींद क्यों आ रही है। और भाई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही है, 2% होगी, 3 GB 2.5 GB की वीडियो है, 2% होगी। मेरे पसीने छूट जाते हैं वीडियो अपलोड करते करते, जब 2 GB 2.5 GB की वीडियो होती है, क्योंकि इतना स्लो इंटरनेट है ना अपलोडिंग स्पीड में, पूछो ही मत। और आज भी 2-4 शादियाँ हैं, मैंने तो इसको बोल दिया है पूरी सब्जी खाने में जाऊँगा नहीं, ढंग का खाना हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है भैया, हालाँकि ये भी आरामी, ये नहीं जाएगा, ये भी किसी और से पूछेगा। अभी मैंने बनाना शेक बना लिया जग भर के, जो पिएगा वो ठीक है, नहीं तो मैं पी लूँगा भाई साहब। ये जो नेचर रख दो, ठीक है, रख देंगे मम्मी, जल्दी से मम्मी को दे दूँ। और फिर मैं अपना सूट देता हूँ, रोटी बन रही है गर्म गर्म, रोटी खाएंगे। ले माते मार, ठीक है, मैं ला रहा हूँ उसके लिए भी, पिएगी तो ठीक है, नहीं तो अपन सूट देते हैं भाई। लगभग 5 बज गए हैं और अभी तक रेडी नहीं हुई। देखो ये पड़ी आराम से पड़ी है, कोई मतलब ही नहीं है। बोल दिया शूट करा ले, लोग आगे रह कर शूट कराते हैं कि भैया हमें जल्दी शूट कराना है, लेकिन हमारे पास सारी एसेसरीज हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैटरनिटी शूट नहीं कराना। तो भाई नहीं कराना, अब मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी अटक लूँ, जो सामने वाले को नहीं है, नहीं खिंचवाने फ़ोटो मत खिंचवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको वॉशिंग मशीन की पड़ी है, तेरे से ज़्यादा तरानी आती है, बचपन निकालती है उन्होंने वॉशिंग मशीन में, तू तो नई नई अमीर हुई है, समझ गई। चलो गाइस, मिलते हैं, मैं आपसे, मुझे लगता है मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा, मम्मी को नहीं आई। मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये टियारा वियारा मंगवाया था, यूजलेस है अभी तो, और ये मतलब ज़रूरत ही नहीं है अभी तो, ऐसा लग रहा है, मूड नहीं है, मन नहीं है, ऐसा है वैसा है, सर दर्द कर रखा है। मंगवाते पहले ड्रेस क्यों मंगवाई, ये क्यों मंगवाया, साला लोग है ना मार्केट जाते हैं, हमारे घर में सारे इक्विपमेंट है, 3-3 कैमराज पड़े हैं, देखो 1-2, एक उसके अंदर, एक से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 3-3 कैमराज पड़े हैं और सारे लेंसेज पड़े हैं, लेकिन फिर भी चौंचले देख लो। और लोगों के पास नहीं होते ना, तब वो 12-25 हज़ार में फोटोग्राफर से बात कर रही थी, मैटरनिटी शूट की कर रही थी, मैं उनका सब क्यों करनी थी, मेरे पास सारे इक्विपमेंट हैं। तो अब भाई जब सारे इक्विपमेंट होने के बावजूद ये सब हो रहा है,
यही तो बताए। आओ माँ से मेरी मम्मी का इंजेक्शन लेते हैं, देखा मज़ा आएगा। चुपचाप बैठी है भाई, बुड्ढी को देख रही है। क्या कर रहे हैं माँ? चाय पियो। चाय पींदी रहे? हाँ ये बढ़िया है। जब आऊँ तो चाय उसमें नहीं बैठ जाए, क्यों गर्मी में बैठी? कपड़े उठ जाएंगे तगड़ी। वाशिंग मशीन है करना है, फिर भी कपड़े सारे के सारे उसमें धोने हैं हाथ से। तो फिर वो है ना, हाथ से नहीं धोए थोड़े कपड़े थे बस। बात बराबर में उतना ही पानी यूज़ किया था आपने, उतना ही किया था। यह आ गई, यह देखेगी ऊर्जा सरपंच है, वो खिंचवा ले नहीं फोटो जितनी त्राण लग रही। पीले जा के देखती जा ना। हैं मेरा है ना ये, तो तू पैर ले तेरा है तो ये। ओ चश्मा पहन के फोटो शूट होगा तेरा। नहीं इतना मत पहन ले, तेरा ही तो है। पैर पैर के दिखाइए तो यहां क्या करता है, पैर का दिखा एक बार। नहीं आया था बाल। हां इसमें तो खुद धुंधला दिखता है। इतना मत ज्यादा इसमें फोटो शूट करूंगा तेरा, जा जल्दी कपड़े पहन जा। चश्मा पहन के कौन फोटो खिंचवाता है तू? अच्छे लगेगी, जा जल्दी जा, जा जल्दी फिर माँ की फोटो खींचूंगा। माँ तू भी बाल बाल ले ना, बाल बाने पड़ेंगे। जल्दी जा जल्दी, रेडियो ले। कोई नहीं सुनता ना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जल्दी से, अभी मैटरनिटी शूट कर रहा था बाहर है ना, वो निकल रही थी घोड़ी, ये देखो दोनों आराम से बैठे देख रहे हैं भाई। एक भी बारात माता पहुंचे कुछ भी निकल जाए छोड़ेंगे नहीं भाई, उसको तगड़े तरीके से बैठे बैठे ऐसे देखते रहेंगे कुछ भी निकल जाए। एक नंबर का काम भाई, मजा आता है। टाइज अभी है ना मैटरनिटी शूट से कंप्लीट हुआ हूँ, हालांकि कुछ ही शूट है, कुछ शूट मैं रास्ते में ले लूँगा। 1 तारीख को जाना है हमें हॉस्पिटल के अंदर, तो उस दिन डेट भी डिसाइड रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखते हैं किस हिसाब से क्या रहेगा। अभी लगभग 10 बज चुके हैं और मैं मैटरनिटी शूट से अभी थोड़ा सा उसको थकान हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे को पॉज देना पड़ा शूट पे, एंड वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, जल्दी से भाई एडिटिंग कर लूँ, अब फिर काम पेंडिंग रहता है कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।